को देखकर क्रेजी क्रेविंग्स होती हैं। एक नए स्टडी ने सजेस्ट किया कि वुमेन में कनेक्शन है बिटवीन लोनलीनेस एंड ब्रेन एक्टिविटी लिंक्ड टू क्रेविंग्स फॉर हाई कैलोरी फूड्स। अब हाई कैलोरी फूड्स में आते हैं फ्रेंच फ्राइज, पोटेटो चिप्स, बर्गर्स और पिज्जाज। नए स्टडी ने ये सजेस्ट किया कि फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन जो है, यानी कि अकेलापन, ये ट्रिगर करता है रिस्पॉन्सेज इन द ब्रेन, जिससे आपका खाने का पैटर्न अनहेल्दी हो जाता है। पहले के बिलीव ने लिंक किया है बिंज ईटिंग टू इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म, स्पेशली महिलाओं में। नए स्टडी ने प्रोवाइड किया है इस कनेक्शन का न्यूरोलॉजिकल बेसिस, जो अंडरलाइन करते हैं लोनलीनेस को दैट गोज बियॉन्ड द इमोशनल वेलबींग और आपके ईटिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है द इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन द ब्रेन रीजन्स एसोसिएटेड विद क्रेविंग्स एंड मोटिवेशन टू ईट, जब लोनली वुमेन को इमेजेस दिखाए ऑफ कैलोरी डेंस फूड्स, यानी कि उनको इमेजेस दिखाए बर्गर्स, पिज्जास, पोटेटो चिप्स एंड फ्रेंच फ्राइज। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड इन द अमेरिकन जर्नल जामा, जो कि जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, इसमें कहा गया है कि ब्रेन एक्टिविटी इन एरियाज रिलेटेड टू सेल्फ कंट्रोल, ओवर ईटिंग बिहेवियर्स कम हुआ अमंग वुमेन जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो लोनली फील कर रहे थे। वुमेन ने पुअर मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की अर्पणा गुप्ता का यह कहना है कि ओबेसिटी का लिंक है विद डिप्रेशन और एंजाइटी, और बिंज ईटिंग एक कोपिंग मैकेनिज्म है अगेंस्ट लोनलीनेस। वो ऑब्जर्व करना चाहते थे कि ब्रेन के पाथवेज का क्या लेना देना रहता है इन फीलिंग्स और बिहेवियर्स से। इस स्टडी ने फोकस किया ऑन वुमेन, क्योंकि मेन और वुमेन में डिफरेंट ब्रेन पैटर्न्स होते हैं जब ओबेसिटी की बात आती है, और वो डिफरेंट तरीके से कोप करते हैं रिगार्डिंग लोनलीनेस। अब वुमेन नॉर्मली वेट गेन करती हैं पोस्ट डाइटिंग, उनमें डिफरेंट ईटिंग पैटर्न्स है, वो शो करती हैं ग्रेटर ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और फेस करती हैं मोर डिफिकल्टीज इंप्लीमेंटिंग वेट लॉस ट्रीटमेंट्स इन द लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू हर। इन्होंने 93 वुमेन को पहले स्टडी किया, उनको क्विज किया अबाउट लोनलीनेस, उसका टाइम और वो कैसे इसको सपोर्ट करते हैं। रिस्पॉन्सेस के बेस पे इनको डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप जिनका स्कोर हाई था ऑन सोशल आइसोलेशन और जिनकी स्केल थी लो, जिनमें हाई लेवल्स ऑफ सोशल आइसोलेशन था उनमें हायर फैट मास, लोअर डाइट क्वालिटी, ग्रेटर क्रेविंग्स और अनकंट्रोलेबल ईटिंग देखा गया, जिसमें इंक्रीज लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी और डिप्रेशन था। नेक्स्ट टीम ने डिप्लॉय किया एक स्कैनिंग टूल कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टू रिकॉर्ड इमेजेस ऑफ ब्रेन, जब पार्टिसिपेंट्स को पिक्चर्स दिखाए गए स्वीट फूड वर्सेस नॉन स्वीट फूड एंड सेवरी फूड वर्सेस नॉन सेवरी फूड। एनालिसिस ने ये शो किया कि ये इंक्रीज करता है एक्टिवेशन इन द रीजंस ऑफ द ब्रेन एसोसिएटेड विद ग्रेटर क्रेविंग्स टू ईट शुगरी फूड्स अमंग वुमेन जो रिपोर्ट कर रहे थे ऑफ फीलिंग लोनली। अब ये सिमिलर रिसर्च मेन में भी होना बाकी है। क्या कहना आपका इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।